संतान प्राप्ति की इच्छा में आप कदाचित भूल ही गई माता कि आज संसार आपका और आपके भ्राता चंद्रदेव का जन्मदिन मना रहा है। आज ही के दिन समुद्र मंथन से आपने और चंद्रदेव ने जन्म लिया था। उसी दिन चंद्रदेव को प्रभु महादेव ने अपने मस्तक पर शोभित किया था और प्रभु नारायण से आपका विवाह हुआ। और हाँ, आज वही शुभ पर्व शरद पूर्णिमा है, आपके जन्म और विवाह की तिथि, और विधि अनुसार आप और प्रभु श्री हरि नारायण दोनों संसार भ्रमण करते हैं। संसार पर आपके आशीष की वर्षा होती है और इस पर्व पर चंद्रदेव भी अमृत वर्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। मुझे स्मरण कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अन्यथा मेरी ममता के उफान में संतान की लालसा में शेष सब कुछ धुंधला हो जाता, मैं उन्हें सब कुछ भूल जाती। आपकी ममता से ओतप्रोत आपका आशीर्वाद आज उन्हें भी मिलेगा जो उससे वंचित रहे हैं। वो सभी धन्य हो जाएंगे, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, उनमें नए प्राण आ जाएंगे। प्रभु, हमें आगे की यात्रा की अनुमति दें। चंद्रदेव हमारी प्रतीक्षा में होंगे। उचित है प्रभु नारायण। और हाँ माता, आपकी प्रतीक्षा भी अब शीघ्र समाप्त होगी। आप जगत भ्रमण कर कल जब वैकुंठ लौटेंगी तो आपकी संतान स्वयं आपके पास आ जाएगी। अब आप निश्चिंत होकर जगत भ्रमण के लिए प्रस्थान कीजिए। आइए प्रिय, शरद पूर्णिमा की इस कोजागरी रात्रि में रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करने वाले सभी भक्त हमारी संतानें ही तो हैं, उन्हें भी हमारे आशीर्वाद पाने का अवसर मिलना चाहिए। पुत्र गणेश, पुत्र, ये खीर बाहर अंबर के नीचे रख दो। जो आज्ञा माता। पुत्र गणेश, आज तुम्हें निद्रा का सुख प्राप्त नहीं होगा, ज्ञात है ना? हाँ माता, आज तो सुख ही सुख है, क्योंकि आज तो हम मामी श्री लक्ष्मी और मामा श्री हरि नारायण का भजन कीर्तन करेंगे। हाँ पुत्र, तभी तो तुम्हें उनका आशीष प्राप्त होगा। जो आज्ञा माता। अर्थात माता, आज की रात्रि जो सोएगा वो आज सुख प्राप्त करेगा, किंतु जो आज जागेगा उसका तो जीवन ही सुखी हो जाएगा। हाँ पुत्र, आज देवी लक्ष्मी और भ्राता नारायण के आशीर्वाद के साथ चंद्रदेव अमृत वर्षा करेंगे और सभी भक्तों को वर्ष भर के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करेंगे। और शीघ्र संसार माता के अनुपम ममतामयी स्वरूप के दर्शन करेगा।
शीघ्र मेरे मातृत्व को भी पूर्ण सुख मिलेगा। अब तो एक पल भी प्रतीक्षा करना सहन नहीं हो रहा है। क्षमा कर दो माता, अब तो क्षमा कर दो, अपनी इस पुत्री पर दया करो माता, मेरा आंचल पुनः सूना मत करो माता। मेरे साथ फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कष्ट कैसे सहूंगी माता, मेरा कष्ट दूर कर दो माता। जबकि मैंने अपनी भूल सुधार ली है माता, फिर यह सहनीय पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है मुझे माता? क्षमा कर दो माता, क्षमा कर दो, अब तो मुझे क्षमा कर दो, मेरा आंचल फिर से सूना मत करो माता। माता, ये कौन है और इनसे क्या भूल हुई है? ये इस नगर के बड़े साहूकार और मेरे भक्त की दो पुत्रियों में से एक है। जब दोनों पिता के साथ थी तब पिता ने आनंद से भरकर एकाग्र किया। आज का दिन एक पिता के लिए बड़े ही आनंद का दिन है। शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मेरी दोनों बेटियां आज मेरे साथ अपने मायके में हैं। आज मैं नियत कर सकता हूं कि मेरी बड़ी पुत्री के साथ छोटी पुत्री भी व्रत करेगी। क्यों पिताजी, अब मायके में भी व्रत करना होगा? ऐसा क्या होगा इससे? माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होगी पुत्री, तुम्हारे माता पिता, तुम दोनों, तुम्हारी आने वाली संतानें सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी। विधि विधान से व्रत रखना पुत्री, और चंद्रदेव के दर्शन के पहले व्रत न तोड़ना, एक दाना भी मुख में मत रखना। खीर? दीदी, खीर भगवान को चढ़ेगी ना? अच्छी है या नहीं किसी को तो चक्कर देखनी पड़ेगी ना। नहीं छोटी, याद है पिताजी ने क्या कहा था? चंद्र दर्शन से पूर्व एक भी दाना हमें नहीं खाना है। दीदी, इस घर की तो सदा यही रीत रही है, पिताजी उचित अनुचित कुछ भी कह देते हैं और आप उनकी दृष्टि में अच्छी बनने के लिए उनकी बात मान भी लेती हो और वैसे ही करने लगती हो। कष्ट मुझे होता है जब मुझे वो बात माननी पड़ती है ताकि मैं बुरी ना दिखूं। नहीं छोटी, पिताजी की आज्ञा का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है, और भक्ति भाव से पूजा करने को कहकर उन्होंने कोई अनुचित आदेश भी तो नहीं दिया है। पूजा तक तो ठीक था, लेकिन व्रत, बिना भोजन खाए कोई कैसे रह सकता है? मैं तो नहीं रह सकती, और वो भी जब इतने मिष्ठान सामने हो। बस छोटी, कुछ ही देर की तो और बात है, थोड़ा धीरज रखो। अब चंद्र दर्शन में समय ही कितना है, चलो हम दोनों पूजा की तैयारी करते हैं। चलो लो, अब तुम सात श्रृंगार में लग गई छोटी। पूजा की तैयारी कब करोगी ये सब बाद में कर लेना, चंद्र आकाश में आ गए तो देर हो जाएगी। दीदी आप कर रही हैं ना, वैसे भी ये विधि विधान व्रत ये सब आडंबर लगते हैं मुझे। नहीं छोटी, श्रद्धा और भक्ति आडंबर नहीं है, ये तो हमारा जीवन देने वाले ईश्वर के प्रति समर्पण है। पूजा तो विधि पूर्वक ही होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, किंतु सब ध्यान रखने पर कोई भूल हो जाए तो? अनजाने में कोई भी भूल हो कोई बात नहीं, ईश्वर बड़े क्षमाशील हैं, क्षमा कर देंगे। समझ गई समझ गई, किंतु आप भी समझ लो, साज श्रृंगार करने का यही समय है, माँ बनने के बाद तो समय ही कहाँ मिलेगा।
छोटी, मुझे सात श्रृंगार में कोई रुचि नहीं है। यही तो आप भूल कर रही हैं दीदी, आपको तो मुझसे अधिक सात श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि मेरी सुंदरता के सामने आपकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। माँ का श्रृंगार और सौंदर्य तो उसके मातृत्व में ही होता है छोटी। चलो अब देर मत करो, मैं खीर रखने जा रही हूँ बाहर। अब उचित है। अब पिताजी के सामने अच्छी बेटी बनी रहने के लिए पूजा पूजा करनी होगी। चलो कोई बात नहीं, पूजा कर लक्ष्मी जी से बहुत सारा धन मांग लूंगी, फिर मन भर कर मिष्ठानों की पेट पूजा करूंगी और फिर भिन्न भिन्न प्रकार के श्रृंगार का सामान लाऊंगी। लड्डू, एक लड्डू खा लूंगी तो क्या होगा उससे? अनजाने में कोई भी भूल हो, कोई बात नहीं, ईश्वर बड़े क्षमाशील हैं, क्षमा कर देंगे। एक लड्डू खा लूंगी तो क्या प्रभु क्षमा नहीं करेंगे? छोटी, ये क्या किया? कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? दीदी आप ही ने तो कहा था कि छोटी भूल तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। अनजाने में हुई भूल जानकर की गई भूल नहीं। अरे दीदी आप चिंता मत करो, व्रत तो कर लिया मैंने, अब उसे अब तोड़ूं या कुछ क्षण बाद उससे क्या होगा? पिताजी और आपके कहने पर इतना कर लिया वही बहुत है, अन्यथा मेरे पति बहुत धनवान है, मुझे कुछ मांगने की या फिर व्रत पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होगा ये तो पता नहीं, पर मैं अवश्य माता लक्ष्मी को मनाऊंगी कि वो तुम्हें क्षमा कर दे। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहे, कुछ बुरा ना हो। बड़ी ने हृदय से प्रार्थना तो की, किंतु तब भी छोटी का भाग्य नहीं बदल सकी। जहां एक ओर बड़ी ने स्वस्थ बालक को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर छोटी के जीवन में एक दुखद घटना हो गई। मेरी संतान, ईश्वर आपने मुझसे मेरी संतान क्यों छीन ली? जो उचित दिशा ज्ञात होने पर भी अंधकार के अनुचित मार्ग पर चले, उससे तो उसके भाग्य को रूठना ही था। छोटी, जो होना सो हो गया, अब उसको लेकर दुख करने से क्या लाभ? उसको लेकर इतना मत सोचो, दुखी नहीं रहते मेरी बहन, ईश्वर की कृपा तुम पर भी अवश्य होगी। देखिए ऋषिवर, मेरी पुत्री की एक ऐसी दशा हो गई है, पता नहीं ईश्वर उसे किस दोष का दंड दे रहे हैं। कारण स्पष्ट है, शरद पूर्णिमा की व्रत की अवहेलना कर इसने माता लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि को ठुकराया है। ईश्वर का क्रोध अकारण नहीं होता और उनकी दया दृष्टि भी हमें फिर मिल सकती है, यदि हम भूल स्वीकार कर सच्चे मन से प्राश्चित स्वीकार कर लें। इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगी छोटी, तुम्हें विधि पूर्वक व्रत करना मैं सिखाऊंगी।
पुत्र 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 दीदी पुत्र पिताजी पुत्र दीदी देखिए ना क्या हुआ मेरे पुत्र को ये श्वास नहीं ले रहा है हे विधाता कैसी लीला है तुम्हारी मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा क्यों कर रहा है पिताजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है इस बार मैंने कोई भूल नहीं की पूरे भक्ति भाव से पूरे विधि विधान से व्रत किया फिर मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है पिताजी दीदी मुझसे तो भूल हुई किंतु आपने तो सदा हृदय से भक्ति की ना माता की आप भी पूछिए माता लक्ष्मी से वो आपकी बहन को इस माँ को क्षमा क्यों नहीं कर रही है इस माँ का दुख मैं नहीं सह सकती एक स्त्री हूँ मैं इसकी आहत ममता का आभास हो रहा है मुझे आपकी ममता से ओतप्रोत आपका आशीर्वाद आज उन्हें भी मिलेगा जो उससे वंचित रहे हैं वो सभी धन्य हो जाएंगे उनके कष्ट दूर हो जाएंगे उनमें नए प्राण आ जाएंगे प्रायश्चित पूर्ण होने पर कोई भी दंड का भागी नहीं रहता अब मैं इस माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती इसकी गोद सुनी नहीं देख सकती माता की कृपा है ना आप पर तो दीदी तो आप ही कहिए ना उनसे मुझे क्षमा कर दे मुझे मेरा पुत्र लौटा दे करने के लिए कहिए ना आप माता जी से दीदी दीदी कुछ कीजिए ना आप कुछ तो कीजिए छोटी
तुमने अभी तक अपने पुत्र को खीर का प्रसाद नहीं खिलाया? आपका बहुत धन्यवाद प्रभु। स्वामी, इस मां की ममता ने मुझे भाव विभोर कर दिया। मैं वरदान देती हूँ, आज से जो भी भक्त प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा में व्रत कर इन दोनों बहनों की कथा सुनेंगे, उन पर मेरी पूरी कृपा होगी। जिनकी संतान है उनकी संतान को स्वास्थ्य प्राप्त होगा, और जिनकी संतान नहीं है उनको संतान सुख का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए गरुड़ जी। माता लक्ष्मी, आपकी कृपा पाकर तो मैं धन्य हो गया। क्या हुआ प्रिय? माँ, किसी ने मुझे माँ पुकारा। प्रभु मयूरेश्वर ने जो भी कहा वो सत्य ही होगा। आपको माँ पुकारने वाला बालक शीघ्र ही वैकुंठ में आपके पास होगा। वाह वाह, ये खीर तो अब और भी स्वादिष्ट हो गई। इसमें दो माताओं का आशीर्वाद जो है, माता का प्रसाद मैं सभी के साथ बांटूंगा। दोनों भाभी माँ, माता, भ्राता, नंदी जी, सभी को माता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। स्वामी, अब भोर हो रही है, हमें शीघ्र वैकुंठ पहुंचना चाहिए। आज हमारे पुत्र का आगमन होने वाला है और मैं उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। अवश्य प्रिय। गरुड़ जी, ओहो, कितना कुछ करना है मुझे, कोई कमी ना रह जाए। मेरे पुत्र का आगमन किसी भी क्षण हो सकता है। स्वामी, स्वामी, आप इस प्रकार मूक बनकर मत खड़े रहिए, मेरा हाथ बटाइए ना। वैकुंठ की सज्जा करने में मेरी सहायता कीजिए। स्वामी, केवल मेरा नहीं आपका भी पुत्र है वो, जिसका शुभ आगमन होने वाला है। उसके खेलने हेतु एक सुंदर बागीचा होना चाहिए और सोने के लिए एक बहुत सुंदर कक्ष। परंतु अभी तो समय भी नहीं है, जो है उसी को सज्जित करना है। स्वामी, आप इस प्रकार मुझे निहारते रहेंगे, अपना कार्य आरम्भ भी करेंगे।
कार्य शुरू कीजिए ना। मेरी ये इच्छा तो आपने पूरी कर दी, परंतु अभी पुष्पों से वैकुंठ को सज्जित कर दीजिए। उसके खिलौने, उसके वस्त्र, उसके भोजन, इन सभी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। पुत्र, तुम्हें ये पकवान, ये खीर भाएंगे ना? स्वामी, 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 प्रतीक्षा में व्याकुल मेरे लिए एक पल भी काटना कठिन हो रहा है। आप है कि योग निद्रा का आनंद ले रहे हैं। आपने मुझे वैकुंठ की सज्जा करने का कार्य सौंपा, वो मैंने किया, तो अब तो हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। किंतु कैसे स्वामी, मेरे लिए तो बहुत कठिन हो रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? उचित कहा आपने स्वामी, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। मैं आती हूँ। तुम भी तो खीर प्रसाद खाओ। आनंद आ गया माता, आज तो खीर का स्वाद दुगना हो गया। हाँ पुत्र, इसमें दोनों माओं का योगदान जो है, मेरा प्रेम भी है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी। गणेश के मुख पर इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? स्वामी ये क्या, आप फिर योग निद्रा में चले गए? अब क्या हुआ प्रिय? स्वामी मैंने तो सब देख लिया, सब ठीक है। भोजन है, खिलौने हैं, वस्त्र है। अच्छा है, तो अब बस हमें प्रतीक्षा करनी होगी। वही तो समस्या है ना स्वामी, प्रतीक्षा ही नहीं हो पा रही है मुझसे। बस मन इसी में लगा हुआ है कि मैं कब उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी, उसे अपने हाथों से तैयार करूंगी। ओहो, तैयार से तो स्मरण हुआ, आभूषण तो मैंने तैयार ही नहीं किए। कुछ अति विशेष बनाइए, हमारे पुत्र को बहुत अच्छा लगेगा। उचित कहा आपने स्वामी, परंतु आप फिर से योग निद्रा में मत चले जाइएगा। अकेले में एक एक पल मुझे काटने को दौड़ रहा है। स्वामी ने उचित कहा, मुझे कुछ अति विशेष बनाना चाहिए उसके लिए। मैं पुत्र के लिए स्वर्ण के कंगन बनाऊंगी। कंगन भी तैयार है, किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? प्रिये, मैं योग निद्रा में नहीं गया। प्रभु आप परिहास कर रहे हैं मेरे साथ। यहाँ मैं कितनी व्याकुल हूँ उसका अनुमान भी नहीं आपको। कितनी शंकाएं हैं मेरे मन में, मेरा पुत्र कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? प्रभु मयूरेश्वर ने तो कहा था कि हमारे वैकुंठ पहुँचते ही वो हमारे पास होगा, किंतु देखिए दिन का दूसरा पहर हो गया किंतु हमारा पुत्र अभी तक नहीं आया। मेरी आंखें तो तरस रही है उसे देखने के लिए। मामी, मामी, गणेश अवश्य मेरे पुत्र के साथ ही आया होगा। गणेश तो अकेला है, इसके साथ तो कोई नहीं।
ओहो मामी जी, पुत्र वो वाह वाह, ये लड्डू, वाह मामी जी, इतने स्वादिष्ट मिष्ठान, ये गाजा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये भी बहुत स्वादिष्ट है। ओहो मामी जी, खीर भी है, स्वयं आपकी पकाई हुई ना? गणेश, ये सब मैंने अपने पुत्र के लिए। मामी जी, ये खीर तो शरद पूर्णिमा की खीर जितनी स्वादिष्ट लग रही है, ये अपने हाथों से मुझे खिलाइए ना। लो गणेश। आनंद आ गया मामी जी, इतनी स्वादिष्ट खीर है, जैसे आपने इसमें अपनी सारी ममता की मिठास घोल दी हो, इतनी विशेष है ये। किंतु पुत्र, तुमने तो मुझे वचन दिया था कि मेरे पुत्र के। गणेश, 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 मामी जी, खिलौने भी कितने सारे हैं, किंतु मैं तो अब इनसे नहीं खेल सकता ना, बड़ा हो गया हूँ ना। किंतु मामी जी, ये तो बहुत। गणेश, ये तो मेरे पुत्र के। वाह मामी जी, इतने सुंदर वस्त्र, बहुत अच्छे लगेंगे मुझ पर। वाह, इतने अच्छे वस्त्र, किंतु थोड़े छोटे हैं। गणेश, ये भी तो। कोई बात नहीं, छोटे हैं तो क्या हुआ, मैं पहन लूंगा। वाह मामी जी, ये कंगन तो सबसे अद्भुत है, ये तो मुझे आ जाएंगे। अब तो गणेश की दृष्टि इस पर भी पड़ गई, ये भी ले लिया तो मेरे पुत्र के लिए क्या बचेगा। गणेश, गणेश, ये तो मेरे पुत्र के लिए है, प्रभु मयूरेश्वर रूप में हमें वचन दिया था तुमने कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जिसे सदा मेरे साथ पूजा जाएगा। ये सब तो मैंने उसी के लिए किए हैं, और ये कंगन भी उसी के लिए है। गणेश, गणेश, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं सहन कर सकती, मुझे बताओ वो कहाँ है, और तुम अपना वचन कब पूर्ण करोगे। गणेश, मैं उसी के लिए तो आया हूँ मामी जी। तू शुभ कार्य में विलंब क्यों गणेश, मुझे शीघ्र अपने पुत्र से मिलवा दो ना। अच्छा मामी जी, तो अब आप मेरे साथ आइए। मामी जी, तो आप अपनी आंखें तो बंद कीजिए। अब आंखें खोलकर देख लीजिए अपने पुत्र को, वो तो आपके सामने ही है माँ। ये कैसा परिहास है गणेश, मेरा पुत्र कहाँ है? मैं ही आपके पुत्र रूप में आया हूँ माँ, मैं आया हूँ माँ। कब से आपको मामी कहकर पुकार रहा हो, मामी में पहले तो माँ ही आता है ना, मामी जी, किंतु अब मामी नहीं, माँ कहकर पुकारूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं ही आपका दत्तक पुत्र बनने आया हूँ, आप मुझे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगी ना माँ? आइए ना मामी जी, मुझे भोजन परोस दीजिए ना। वाह मामी जी, ये कंगन तो सबसे अद्भुत है। पुत्र, मेरा पुत्र।
पुत्र हो अवश्य स्वीकार करूंगी पुत्र, आज से तुम मेरे पुत्र और मैं तुम्हारी माँ। तब मुझे अपनी गोद में बैठने दीजिए ना माँ। हाँ पुत्र, क्यों नहीं। बधाई हो गणेश की माँ। सुनती है गणेश की माँ, कहाँ है आप? प्रणाम माता। मैं आपको प्रसन्न देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ गणेश की माँ। हाँ देवी पार्वती, गणेश अब मेरा दत्तक पुत्र है, इसलिए इस पर आपका जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी। अवश्य देवी लक्ष्मी, आपने गणेश को दत्तक रूप में स्वीकार कर मुझे भी अपने शाप की ग्लानी से मुक्त कर दिया, क्योंकि उसी के कारण तो मुझे वरदान मिला। स्वयं मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश मुझे पुत्र रूप में मिले। गणेश को पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो गई देवी, मैं धन्य हो गई। धन्य तो अब ये संसार होगा देवी लक्ष्मी, जब माँ और पुत्र अर्थात देवी लक्ष्मी और प्रथम पूज्य गणेश की पूजा दीपावली के शुभ अवसर पर एक साथ होगी। उससे गणेश की शुभता और लक्ष्मी की समृद्धि प्राप्त होगी। दीपावली के शुभ अवसर पर एक साथ होगी, उससे गणेश की शुभता और लक्ष्मी की समृद्धि प्राप्त होगी। प्रणाम श्री हरिनारायण। प्रणाम माता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तु ते। इस मनोहारी दृश्य से किसका जी भर सकता है? किसी का भी नहीं। माँ और पुत्र को एक साथ देखकर अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है। जी करता है कि देखते ही रहूं, किंतु विवश हूं, जाना होगा। आज्ञा दीजिए देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी दुखी मत होइए, आपको आपकी ममता से कोई वंचित नहीं कर सकता। और अब तो विघ्नहर्ता स्वयं आपके पुत्र हैं, तो निश्चिंत रहिए। जब तक आपका मन हो तब तक आप अपने पुत्र को अपने साथ वैकुंठ में रखिए। मेरा परम सौभाग्य है माँ, जो मुझे दो दो माताओं का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं तो सदा अपने पुत्र पर प्रेम और वात्सल्य की वर्षा करना चाहती हूँ, अधिक से अधिक समय उसके साथ बिताना चाहती हूँ, किंतु क्या प्रिय? किंतु स्वामी,
मुझे अभी स्वयं कुछ समय के लिए जाना होगा। पुत्र गणेश के साथ से कुछ अवधि के लिए वंचित होना होगा, बस यही दुख है मुझे। क्यों देवी लक्ष्मी, इससे अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? मेरा प्राण, जो मैंने कुछ समय पूर्व लिया था कि जब मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त होगा तब मैं 3 महानतम साध्वियों के हल्दी कुमकुम के लिए यात्रा करूंगी। यात्रा? इसमें दुख की नहीं माँ, सुख की बात है, आनंद की बात है। हाँ पुत्र, तुम तो अभी मुझे मिले हो और तुमसे मुझे दूर होना होगा। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से दुलार भी नहीं किया। नहीं माँ, आपको मुझसे दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। साध्वी माताओं के दर्शन करने जाना तो तीर्थ के समान है, और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाना पुत्र का कर्तव्य होता है। तो मैं आपका पुत्र होने के नाते आपको इस यात्रा पर ले चलूंगा। हाँ माँ, मैं साथ चलूंगा, तो आपका समय मुझे 3 साध्वी माताओं की कथा सुनाने में कट जाएगा। आप मुझे ये कथाएं सुनाएंगी ना माँ? अवश्य। देखा आपने देवी लक्ष्मी, आपका पुत्र गणेश कितना चतुर है। इसकी चतुराई आपको सुख प्रदान करेगी और आपको गणेश से दूर नहीं जाना होगा, और वो आपकी यात्रा की तैयारी करवाने में भी आपकी सहायता करेगा। हाँ माता, अवश्य करूँगा ना। माँ? हाँ पुत्र। माँ, मैंने कह तो दिया मैं आपको हल्दी कुमकुम करने लेकर जाऊंगा, किंतु ये तो मुझे पता ही नहीं कि हल्दी कुमकुम होता कैसा है। बहुत सरल है समझना पुत्र, हल्दी और कुमकुम का लेप होता है जिससे मुझे 3 साध्वियों का तिलक करना होगा, और उन्हें सुहाग की सामग्री जैसे कि मांग टीका, सिंदूर, काजल, कंगन, पायल, लाल वस्त्रों का जोड़ा उन्हें भेज कर उनसे उनका आशीर्वाद लेना है और उनके परम सौभाग्य की कामना करना है। लीजिए माँ, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। अरे पुत्र, तुमने क्यों पोटली उठा ली? माँ, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, और पुत्र के होते माँ को भार उठाना पड़े ये तो अनुचित होगा ना माँ। अब मैं तैयार हूँ, चलिए माँ। अच्छा, माँ और पुत्र मिल गए तो दोनों मुझे भूल ही गए। नहीं नहीं, हम तो आशीष लेने आपके पास ही आ रहे थे। मैं आपको आशीष देता हूँ, आपकी यात्रा सफल होगी। पुत्र गणेश, अपनी माता का ध्यान रखना। ठीक है, अब शीघ्रता कीजिए माँ, चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। अपनी संतान के साथ यात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। माँ, आप तो शांत हो गई, पहले ये तो बताइए हम किन साध्वी माताओं के पास जाने वाले हैं? जिन साध्वी देवियों के पास हम जाएंगे उनका नाम है देवी सावित्री। आप मेरे पति की आत्मा को नहीं ले जा सकते यमराज। देवी सुमति, अपने पति धर्म की तपोबल को आधार बनाकर सूर्यदेव से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति के प्राणों की रक्षा के लिए आज उदित ही ना हो। किंतु सर्वप्रथम हम जाएंगे गुरु माता देवी अरुंधति के आश्रम। वही ना माँ, माता अरुंधति, उन्होंने दोनों भाभी माँ, भाभी देवसेना और भाभी वल्ली को विवाह के बाद तारे देखने को बोला था। हाँ पुत्र। किंतु माँ, माता अरुंधति ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें इतनी प्रतिष्ठा मिली कि एक तारा उन्हीं के नाम पर है, और वो भी सप्तऋषियों के इतने निकट? प्रेम भाव संसार में सबसे श्रेष्ठ भाव होता है, और पति पत्नी के संबंध में
परस्पर प्रेम के साथ त्याग की भावना भी जुड़ी होती है। देवी अरुंधति के मन में अपने पति के प्रति अद्भुत प्रेम था, जिन्हें पाने के लिए उन्होंने अथक तपस्या की, त्याग किया, यहाँ तक कि पुनर्जन्म भी लिया, और उनके पवित्र प्रेम के फल स्वरूप उन्हें यथोचित पुरस्कार भी मिला। तब तो मुझे उनकी कथा सुनाइए ना माँ। आओ पुत्र, उनके आश्रम की ओर जाते जाते मैं तुम्हें उनकी कथा भी सुनाती हूँ। देवी अरुंधति की कथा का आरंभ उनके पिछले जन्म से होता है, जब उनका जन्म प्रभु ब्रह्मदेव की मानस पुत्री के रूप में हुआ था। अकल्पनीय सौभाग्यवती भव, हे महान सृष्टि रचयिता, मैं भी आप ही की रचना हूँ, आपकी मानस पुत्री हूँ। कृपा कर मुझे मेरा नाम दे और मुझे ज्ञान प्रदान करें। सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता, दोनों का अद्भुत समन्वय है तुम्हारी सौम्यता में। तुम्हें एक ही नाम दिया जा सकता है, वो है संध्या। धन्यवाद पिताश्री। नाम तो तुम्हें प्राप्त हो गया पुत्री संध्या, बात रही ज्ञान की, वो तो तुम में पहले से ही है, उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है पुत्री। तो पिताश्री, मुझे उस ज्ञान को जागृत करने का उपाय बताने की कृपा कीजिए। पुत्री, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना जीवन सार्थक नहीं। ज्ञान, ध्यान, धैर्य और कर्म सब कुछ गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें उचित गुरु का चयन करना होगा। किंतु मैं अपना गुरु कैसे ढूंढूंगी? और यदि मैंने उन्हें पहचान भी लिया, उनका चुनाव भी कर लिया, तो क्या वो मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? जिस प्रकार शिष्य उचित गुरु पाने की कामना रखते हैं, उसी प्रकार गुरु भी योग्य शिष्य पाने की लालसा रखते हैं। तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले गुरु कोई ब्रह्म ऋषि ही होंगे, जो अनेकों में भी तुम्हें पहचान लेंगे, और तुम भी उनके निकट जाने पर उनकी दिव्यता से प्रभावित होकर एक पल में उन्हें पहचान लोगी। धन्यवाद पिताश्री। कौन थे वो ब्रह्म ऋषि जो देवी संध्या के गुरु बनने वाले थे? वो जो श्री हरि नारायण के समान तेजस्वी है, प्रभु ब्रह्मदेव के समान वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता हैं, और सादगी में महादेव के समान हैं, दिव्यता के सागर हैं, सर्वथा अनूठे हैं ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ अपने ध्यान में लीन थे, और माता संध्या ब्रह्मदेव का आशीष पाकर अपने सद्गुरु को ढूंढते हुए बृहल लोहित सरोवर के तट पर पहुंच गई। परंतु अभी भी उनसे कोसों दूर होने पर भी माता को अपने गुरु का, यानी कि ऋषि वशिष्ठ का आभास हो गया। शांति सामा शांति रे शांति। कितना अद्भुत और दिव्य वातावरण है, यहाँ पहुँचते ही मेरा मन का झुकाव ध्यान समाधि की ओर जाने लगा है। अत्यंत दिव्य और अद्भुत स्पंदन है यहाँ, ये किसके दिव्य जाप का प्रभाव है? तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले गुरु कोई ब्रह्म ऋषि ही होंगे,
और तुम भी उनके निकट जाने पर उनकी दिव्यता से प्रभावित होकर एक पल में उन्हें पहचान लोगी। गुरुदेव, आपकी शिष्या ने आपको पहचान लिया। ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ के दिव्य आभा का ऐसा प्रभाव हुआ उन पर कि माता के मन का रुझान ध्यान और समाधि की ओर ही हो गया। वो गुरुदेव की दिशा में बढ़ती ही चली गई। उन्हें इसका भी ध्यान ना रहा कि वो सरोवर की गहराई में उतरती जा रही हैं, किंतु रुकना अब संभव नहीं था। उन्हें तो अपने गुरु के पास पहुंचना था और वो आगे बढ़ती ही चली गई, परंतु आज कोई बाधा उन्हें कहाँ रोक सकती थी। गुरुदेव, उठिए देवी संध्या। हे गुरुदेव, मेरा परिचय मांगे बिना ही आपने मुझे पहचान लिया। गुरुदेव, योग्यता को परिचय की आवश्यकता नहीं होती देवी। जिस प्रकार आप मुझे ढूंढ रही थी, उसी प्रकार मैं भी आपकी प्रतीक्षा में था। मेरी शिष्या बनने के लिए स्थान ग्रहण कीजिए देवी संध्या। हे गुरुदेव, शिष्या का मन गुरु से अधिक कौन समझ सकता है? मेरे मन में क्या है ये तो आपको भली भांति ज्ञात है। शिष्या के रूप में मुझे स्वीकार कर मेरे ज्ञान को जागृत करने की कृपा कीजिए। जिन गुरु वशिष्ठ ने उनका ज्ञान जागृत किया, उन्हें तप का ज्ञान दिया। देवी संध्या पर उनकी दिव्यता का प्रभाव हुए बिना कैसे रह सकता था? गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा ने उनके मन में एक और इच्छा को जन्म दिया, सदा गुरु के साथ रहने की इच्छा। उनके अथाह ज्ञान सागर से निरंतर ज्ञान की मूर्ति चुनते रहने की इच्छा, उनकी सेवा करने की इच्छा, उनकी शिष्या ही नहीं उनकी अर्धांगिनी बनने की इच्छा। तो क्या गुरु वशिष्ठ ने भी उन्हें स्वीकार किया? क्या उनके साथ देवी संध्या का विवाह भी संपन्न हुआ? माँ, नहीं पुत्र, उन्हें अपने मनचाहे वर को पाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी थी। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ज्ञान प्राप्ति के क्रम में गुरु ने उन्हें इच्छा पूर्ति करने की तप विधि भी सिखाई और देवी संध्या गुरु वशिष्ठ को अपने पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। ऋषि वशिष्ठ द्वारा बताए तपस्या के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अत्यंत कठोर तप किया, जिसमें पहले 6 दिनों तक अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया और फिर प्रत्येक 3rd दिन ही कम मात्रा में 1 पत्र भर भोजन किया। भूमि पर ही अपनी शैया बिछाई, उसी पर विश्राम करने लगी। फिर देवी संध्या पूर्ण समर्पण के साथ अपनी तपस्या में लीन हो गई और अनेकों वर्षों तक तपस्या में लीन रही। फिर दिन हो या रात हो, ऋतुओं का कैसा भी आघात हो, उनके तपस्वी मन पर कोई घात नहीं लगा सका। वो निरंतर एकाग्र चित रहकर उसी में डूबी रही। अनेकों वर्षों के उनके इस तप के बाद स्वयं स्वामी श्री हरि नारायण प्रसन्न हुए, उन्हें अपने दर्शन प्रदान किए। ब्रह्म लोक को अपने तेज से प्रकाशित करने वाली कन्या ने इतना कठोर तप कर अपनी देह को कितना दुर्बल बना लिया है। उठिए देवी, आपकी तपस्या संपन्न हुई। मैं आपको दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी का वरदान देता हूँ।
मेरे वरदान के अतिरिक्त मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपने जिस इच्छा से ये अनुष्ठान किया है वो अवश्य पूर्ण होगा। आपको पत्नी रूप में ऋषि वशिष्ठ का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा, किंतु इस जन्म में नहीं। इस जन्म में तो वो आपके गुरु हैं देवी, इसलिए उन्हें पति रूप में पाने के लिए आपको अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि ऐसा है प्रभु तो मुझे अभी इसी क्षण अपने प्राण त्यागने की अनुमति दीजिए। यदि माता संध्या ने अपने जीवन का त्याग कर दिया तो फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ का सानिध्य कैसे प्राप्त किया माँ? यदि माता संध्या ने अपने जीवन का त्याग कर दिया तो फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ का सानिध्य कैसे प्राप्त किया माँ? पुत्र, त्याग के बिना प्रेम नहीं होता और प्रेम के बिना त्याग नहीं होता। अपने प्रेम के लिए उनका त्याग तो अभी शेष था। किंतु यदि मैं इस जन्म में ऋषि वशिष्ठ का साथ नहीं पा सकती तो मुझे अभी इसी क्षण अपने प्राण त्यागने की अनुमति दीजिए। देवी संध्या, भक्ति और निष्ठा दोनों में ही आपने स्वयं को प्रमाणित किया है, जिसके कारण आपकी आत्मा के साथ आपका ये शरीर भी दिव्य हो गया है। इसे आप इतनी सरलता से नहीं त्याग सकती। किंतु प्रभु, मैं यदि अपने देह का त्याग नहीं करूंगी तो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी बनने की अपनी इच्छा और आपके आशीर्वाद को कैसे पूर्ण करूंगी? इसीलिए मुझे अनुमति दीजिए प्रभु। अपनी इच्छा से देह त्याग करना मात्र परामर्थ के लिए ही उचित है देवी, किंतु उसके लिए भी आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति देने पर ही आप अपनी देह से मुक्त हो पाएंगी। निकट ही ऋषि मेधातिथि का आश्रम है, जो पिछले 12 वर्षों से अपनी पुत्री कामना पूर्ण करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। आप वहीं जाकर अपने भावी पति का ध्यान करते हुए स्वयं को उस यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दीजिए। किंतु ध्यान रहे, ना यज्ञ की गरिमा भंग हो और ना यज्ञ खंडित होने पाए। इसीलिए स्वयं को भविष्य के रूप में ही समर्पित कीजिएगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, उसी यज्ञ की अग्नि से आपको नवीन जीवन प्राप्त होगा और आपका ये त्याग जगत के लिए भी कल्याणकारी होगा। जो आज्ञा प्रभु। किसी भी यज्ञ की आहुति के दो भाग होते हैं, उनमें से एक देवताओं को प्राप्त होता है और दूसरा पितरों को। आहुति के रूप में देवी संध्या भी दो भागों में बट गए। देवताओं के नाम पर गए पहले भाग को सूर्यदेव ने अपने रथ के ऊपरी भाग पर स्थापित किया, अर्थात वो प्रातः संध्या बनी, और फिर पितरों को समर्पित भाग को
सूर्यदेव ने अपने रथ के निचले भाग पर स्थापित किया और वो बनी संयम संध्या। इस प्रकार श्री हरि नारायण के आशीष और वरदान के फल स्वरूप जगत को प्रातः संध्या और संयम संध्या कालों की प्राप्ति हुई, जो पूजा वंदन के लिए श्रेष्ठतम समय होते हैं। और फिर ऋषि मेधातिथि के यज्ञ के फल स्वरूप देवी संध्या ने यज्ञ अग्नि से उनकी पुत्री बनकर जन्म लिया। अपना अगला जन्म मिला और ऋषि मेघातिथि ने उनका नाम रखा अरुंधति, अर्थात जो अग्नि से उत्पन्न हुई हो और अग्नि के समान ही पवित्र भी हो। अर्थात अभी भी उनकी प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई, उनको विवाह हेतु आयु भी प्राप्त करनी थी। हाँ पुत्र, बाल्यावस्था में ही प्रभु ब्रह्मदेव के संकेत पर ऋषि मेघातिथि अरुंधति को सूर्यलोक ले गए, जहाँ वो सूर्यदेव की पत्नी माता सावित्री के साथ रही और वहाँ समय समय पर माता गायत्री और माता सरस्वती देवी की उपस्थिति रहती थी। इन्हीं माताओं का सानिध्य पाकर माता अरुंधति ने उनसे संस्कार प्राप्त किया। इस प्रकार स्वयं महादेवियों से संस्कार और शिक्षा प्राप्त करते करते वो वहां सूर्यलोक में बड़ी हुई और फिर वो समय आ ही गया। माता ये सब क्या है? पुत्री अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने का समय आ गया है, ये सब उसी की सामग्री है। आपको पत्नी रूप में ऋषि वशिष्ठ का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि मेघातिथि के साथ स्वयं त्रिदेव ऋषि वशिष्ठ के पास तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे और ऋषिवर ने उत्तर दिया। हाँ, जहाँ एक और तीन महादेविया वधु का श्रृंगार कर रही थी, वही स्वयं त्रिदेव वर को तैयार कर रहे थे और उसी अभिषेक के जल से गोमती, क्षिप्रा, महानदी, सरयू आदि नदियों का उद्गम हुआ और इस प्रकार स्वयं त्रिदेव और त्रिदेवियों ने ऋषि वशिष्ठ और देवी अरुंधति का विवाह संपन्न करवाया। ऋषिवर, मैं आपको और अपनी पुत्री को सूर्य के समान प्रकाशवान और संपूर्ण त्रिलोक में कहीं भी जाने वाला विमान भेंट करता हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि आपको और ऋषि वशिष्ठ को संसार में अत्यंत ही ऊंचा स्थान प्राप्त हो। नारायण के वरदान के अनुसार मैं ऋषि वशिष्ठ को 7 कल्पों की आयु प्रदान करता हूं। इस प्रकार इतनी लंबी यात्रा और अनेक कष्टों के बाद उनका तप पूर्ण हुआ। हाँ माँ, उनके देह त्यागने और पुनर्जन्म से तो यही सीख मिलती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, किंतु उसके लिए अथक परिश्रम और त्याग अवश्य करना होता है, फिर लक्ष्य ही नहीं उससे भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। माँ दिव्यता की श्रेष्ठतम उदाहरण है देवी अरुंधति, इसलिए तो उन्हें स्वयं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य किसका था, इसका निर्णय होना तो अभी शेष ही था, क्योंकि यदि ऋषि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि है तो देवी अरुंधति की दिव्यता उनसे भी अधिक है और उनसे ही क्या त्रिदेव भी उनकी दिव्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। वो कैसे माँ? इसका प्रमाण तो स्वयं त्रिदेवों ने ही दे दिया था। प्रभु,
आज आप सब अचानक? आज हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी दिव्य ऋषि पत्नी के आश्रम में आने का प्रयोजन बना। कैसा प्रयोजन प्रभु? देवताओं के मुख से आपकी दिव्यता की प्रशंसा सुनकर हम स्वयं को रोक नहीं पाए। हम कौतूहलवश वही परखने आ गए। ये तो परम सौभाग्य है मेरा, किंतु एक विनती है। स्वामी कभी भी लौटते होंगे, इसलिए मुझे उनके लिए जल लेकर आना है। इसलिए आप सबको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। माता अरुंधति ने त्रिदेवों को प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया। हाँ पुत्र, उनके लिए तो अपने स्वामी के प्रति उनके स्नेह, उनकी निष्ठा और सेवा से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं था। त्रिदेवों को भी इसका आभास था, तो उन्होंने भी देवी अरुंधति की सहायता करने का निर्णय लिया। लाइए देवी, आप हमें इस पात्र को भरकर लाने की अनुमति दीजिए। ये कैसे संभव है? ये पात्र और क्यों नहीं भर रहा है? हमें पुनः प्रयास करना चाहिए। क्षमा करें देवी, हम तीनों की संयुक्त शक्ति मिलकर भी इस पात्र को पूरा नहीं भर पाएगी। आपसे निवेदन है, कृपा करके आप अपनी शक्ति से इस पात्र को पूरा भरें। प्रभु, जब आप तीनों त्रिदेवों की शक्ति से ये पात्र नहीं भरा, तो मैं ये भला कैसे कर सकूंगी? माता, आप जैसी धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायणा स्त्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार प्रयास कीजिए। मेरे पास तो एक ही शक्ति है, मेरे पति धर्म की। हे गुरु माता, आप धन्य हैं। ये तो उसका प्रमाण है कि आपकी शक्ति सत्य में दिव्य है। क्या आप हमें शिष्य रूप में स्वीकार करेंगी? आप तो स्वयं त्रिदेव हैं, सर्वोच्च ईश्वर। मैं भला आपको क्या ज्ञान दे सकती हूँ प्रभु? देवी, ज्ञान और अभिमान परस्पर विरोधी हैं। जहाँ ज्ञान है वहां अभिमान नहीं होता, और जहां अभिमान होता है वहां पर ज्ञान नष्ट हो जाता है। कभी कभी गुरु भी अपने शिष्यों से सीखते हैं, माता पिता अपनी संतान से, और भगवान अपने भक्तों से। और आप तो गुरु माता हैं, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की अर्धांगिनी। इसीलिए हमें अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार कीजिए। माता, नारायण ने सत्य कहा, अब आपको हमें अपना शिष्य बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। जैसी आप त्रिदेवों की इच्छा। इस प्रकार त्रिदेवों ने यह प्रमाणित किया कि किसी भी साध्वी का सत्कर्म किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है। तो क्या यही कारण है कि माता अरुंधति को सप्तऋषियों के साथ स्थान मिला है? उसका ये कारण नहीं। तब वो स्थान कब और कैसे मिला माँ? ऐसा तब हुआ
जब आश्रम का पूर्ण दायित्व देवी अरुंधति को सौंप कर ऋषि वशिष्ठ 12 वर्ष के तप के लिए सप्तऋषियों के साथ हिमालय चले गए, किंतु दुर्भाग्यवश उनके प्रस्थान के कुछ ही समय बाद पृथ्वी पर एक महाअकाल का संकट छा गया। माते माते मुझे जल दीजिए, माते मुझे जल दीजिए, माते माते मुझे जल दीजिए, मुझे प्यास लगी है, माते माते मुझे जल दीजिए। पुत्र माता आप चिंता ना करें, हम इसका ध्यान रखेंगे। स्वामी आश्रम का दायित्व मुझे सौंप कर गए हैं, मेरी निगरानी में मेरे आश्रमवासी इतने कष्ट में नहीं रह सकते। यदि मुझ में, मेरी धर्म परायणता में, मेरे सत्कर्मों में, मेरे अस्तित्व में वो शक्तियां हैं जो आपने दी थी, हे त्रिदेव, तो ये अकाल अवश्य मिटेगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक प्रकृति पुनः नहीं खिलखिलाएगी, तब तक मैं यही कठोर तप करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक ओर तो देवी अरुंधति का जाप चलता रहा, दूसरी ओर उस अकाल का प्रकोप बढ़ता रहा। यहाँ तक कि जल के अभाव में आश्रम में सभी मूर्छित हो चुके थे। देवी का कंठ भी प्यास के कारण सूख चुका था, किंतु वो अनेक वर्षों तक दृढ़ता से जाप करती रही। ओम नमः शिवाय। भिक्षान्दे, कोई है इस आश्रम में? इस भूखे की सहायता करो। देवी, इस वृद्ध ऋषि को सहायता चाहिए, कृपा करो। देवी मुझे अन्न जल दो। एक लाचार वृद्ध ऋषि आपके द्वार पर है, यदि कोई है तो मेरी पुकार सुनो, मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं कहीं और आश्रय ढूंढने पर विवश हो जाऊंगा। भिक्षान्ते देवी, कोई नहीं इस आश्रम में जो इस वृद्ध ऋषि की पुकार सुने तो चित है, मैं चाहता हूं। रुक जाइए ऋषिवर। प्रणाम ब्राह्मण देवता, आइए, आपका स्वागत है। आइए ऋषिवर, आइए ब्राह्मण देवता। देवी, ये कैसी तपस्या है जो इतना विलंब हो गया? क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं तप में लीन थी। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि मेरे आश्रम में सभी आश्रमवासी अकाल में त्रस्त होकर मूर्छित हो चुके हैं। तो एक साधारण ब्राह्मण के लिए अपना तप क्यों भंग किया देवी? ऐसे तप का क्या लाभ जब कोई आपके द्वार से भूखा लौट जाए? आपको मैं यदि ऐसे ही जाने देती तो मेरा तप तो ऐसे ही भंग हो जाता। स्वामी की अनुपस्थिति में सभी धर्मों के निर्वाह का दायित्व मुझ पर है, वो तप में लीन है, और मैं अतिथि सत्कार का धर्म ना निभाऊं तो उनकी साधना को भी ठेस पहुंचेगी।
किंतु ऋषिवर, अकाल के इस अवस्था में मेरा आश्रम अन्न जल से रिक्त है। दुर्भाग्यवश मैं आपको अधिक कुछ नहीं दे सकती। देवी, देवी चिंता मत कीजिए, भूखे के लिए तो एक दाना ही पर्याप्त होता है। मात्र कुछ बद्री बीज शेष है यहाँ। हे ब्राह्मण देवता, आज तो मात्र ये सूखे बद्री के बीज शेष हैं। चिंता मत करो देवी, जहाँ तनिक भी भोजन नहीं वहाँ यही पर्याप्त होगा। आप इन्हें ही पका दीजिए, मैं इन्हीं का भोजन कर लूंगा। देवी, विचित्र है ना प्रभु, और उनसे भी विचित्र है उनकी लीला। अपने भक्तों के साथ कितना अन्याय करते हैं, कितना कष्ट देते हैं अपने भक्तों को। कभी भूकंप, कभी अकाल, कभी महामारी। नहीं, प्रभु तो दया निधान है। उनकी लीला के पीछे का रहस्य हम भले ही समझ ना सके, किंतु वो अपने भक्तों को इसलिए कष्ट देते हैं जिससे कि हम में कष्टों को सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो। जैसे कि ये बीज अग्नि में भूनकर ही लाभकारी बनते हैं, उसी प्रकार प्रभु हमारी परीक्षा लेकर हमें सबल बनाते हैं। माता अरुंधति का ये प्रवचन 12 वर्षों तक चलता रहा और प्रकृति पुनः लहलहा उठी। 12 वर्ष? हाँ पुत्र, माता इसी प्रकार प्रवचन देती रही और प्रभु वृद्ध ऋषि रूप में उसी प्रकार माँ के शब्दों के मोती बटोरते रहे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहे। और फिर एक दिन आया जब ऋषि वशिष्ठ भी हे प्रभु, सृष्टि का संताप हरने के लिए, महाअकाल को दूर करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। स्वामी, स्वामी आ गए। प्रणाम स्वामी, आपका स्वागत है। पधारिए स्वामी। प्रणाम प्रभु। अपने आश्रम में आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। धन्य तो मैं भी हूँ आपके आश्रम में आकर। देवी, आपने पुनः प्रमाणित कर दिया कि आप अनंत ज्ञान की धनी हैं। इसलिए आपको ब्रह्म ऋषि महर्षि वशिष्ठ की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु, मेरी प्रतिष्ठा तो इन्हीं के कारण है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा विवाह देवी अरुंधति के साथ हुआ। मेरा साथ पाने के लिए इन्होंने न केवल कठोर तप किया अपितु आपके दिए हुए वरदान के कारण सप्तकल्प की दीर्घायु भी मुझे इन्हीं के कारण प्राप्त हुई। इनकी महिमा, इनकी प्रतिष्ठा मुझसे कहीं अधिक है प्रभु। प्रभु, विनय ज्ञानी पुरुष का आभूषण है। मेरे पति का विनय संवाद उनकी महानता की पहचान है।
जो मुझसे सदा अधिक थी और रहेगी। देवी, आपकी सरलता, आपकी निष्ठा और अपने धर्म और अपने स्वामी के प्रति आपका समर्पण, ये सभी आपके आभूषण हैं और ये सब आपको आपके स्वामी से अधिक महान बनाते हैं। सत्य तो ये भी है कि कभी कभी भगवान की महत्ता भक्त के बाद आती है, क्योंकि भगवान की शक्ति तो भक्त के साथ होती ही होती है और साथ में उसकी भक्ति की शक्ति उसे और शक्ति प्रदान करती है। और देवी अरुंधति, आप महर्षि वशिष्ठ की अर्धांगिनी होने के कारण उनके समस्त तप, ज्ञान और पुण्य की भागीदार हैं। आपकी तपोशक्ति आपके स्वामी से कहीं अधिक है, जैसे देवी पार्वती की तपोशक्ति मुझसे। इस संसार में प्रत्येक नारी की तपोशक्ति उनके पति से कहीं अधिक है। और देवी, आपने मुझे जो ज्ञान प्रदान किया उसकी गुरुदक्षिणा के रूप में मैं आपको अंतरिक्ष में उस तारे का स्थान देता हूं जो सप्त ऋषि मंडल में ऋषि वशिष्ठ के निकट होगा। विवाह के उपरांत यदि पति पत्नी एक साथ अरुंधति तारे के दर्शन करेंगे तो उनका जीवन सदा सुखमय रहेगा। पवित्र, सम्मान, प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण रहेगा। इस प्रकार अरुंधति तारा विवाहित जीवन में सुख और निष्ठा का प्रतीक बना। देवी अरुंधति ने जिस प्रकार अपने दृढ़ निश्चय और अपनी तपस्या से गुरु वशिष्ठ को पाने का संघर्ष किया, वो भगीरथ जी के समान है जिन्होंने इतने कष्ट सहकर माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए उद्यम किया। और फिर देवी अरुंधति ने अपने कर्म से स्वयं महर्षि वशिष्ठ से भी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। ये तो हमारा परम सौभाग्य है माँ कि हमें ऐसी परम साध्वी माता अरुंधति के दर्शन प्राप्त होंगे। मैं तो अब उनके दर्शन पाने के लिए अत्यंत तत्पर हूँ। तब तुम्हें अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी पुत्र, क्योंकि अब हम ऋषि वशिष्ठ और देवी अरुंधति के आश्रम के अत्यंत निकट पहुँच चुके हैं। माता अरुंधति ध्यान में लीन है, मुझे सावधानी से भीतर जाना चाहिए, कहीं मेरी आहट से उनका ध्यान भंग ना हो जाए। हे गौरी पुत्र गणेश, हे माता लक्ष्मी, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। आप दोनों को मेरा प्रणाम। मुझे क्षमा करें, मेरे आगमन से आपका ध्यान भंग हो गया। ये क्या कह रहे हैं महादेव और गौरी के नंदन, आपका आगमन तो शुभता लेकर आता है। आपके आने से मेरा ध्यान भंग नहीं हुआ, अपितु मेरे ध्यान का फल मुझे मिला है। मेरे आश्रम के कण कण में आनंद, उल्लास और शुभता का संचार हो गया है। मैं तो धन्य हो गई। और आप अकेले नहीं, आप तो माता लक्ष्मी के साथ पधारे हैं, इससे मेरा आनंद दुगना हो गया है। आइए पधारिए। देवी अरुंधति, संतान की मनोकामना के साथ मैंने एक संकल्प भी लिया था, गणेश को पुत्र रूप में पाकर मेरी मनोकामना तो पूर्ण हुई, तो अब मुझे अपना संकल्प भी पूरा करना है। मेरा संकल्प है 3 श्रेष्ठ साध्वियों के हल्दी कुमकुम सत्कार का। क्या आप मुझे उसकी अनुमति देंगी? स्वयं माता लक्ष्मी के द्वारा मेरा हल्दी कुमकुम का सत्कार होगा, इससे बड़ा सौभाग्य भला और क्या होगा मेरा। ये लीजिए माता।
धन्यवाद देवी अरुंधति। अब मेरी इच्छा है इसी प्रकार देवी सुमति और देवी सावित्री के शुभ दर्शन हमें प्राप्त हो। अवश्य होंगे माता। आप शीघ्र देवी सुमति के आश्रम की ओर प्रस्थान कीजिए, जो यही निकट ही है। प्रणाम।